नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार समेत देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर डालने का काम किया था। हालांकि कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से थोड़ी राहत तो दी गई, लेकिन अभी भी पेट्रोल के दाम 100 के पार ही है। लेकिन अब जल्द ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि तेल के दाम में और ज्यादा कमी आने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है ओपेक यानी कि तेल निर्यातक देशों के संगठन और रूस समेत सहयोगी देशों का। जुलाई और अगस्त में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाकर 6,48,000 बैरल हर दिन करने की उम्मीद है। इस कदम से ऊर्जा के ऊंचे दाम और फलस्वरूप बढ़ती महंगाई से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ओपेक और सहयोगी देश का निर्णय महामारी के दौरान की गई कटौती को तेजी से बहाल करने में मददगार होगा। समूह 2020 से उत्पादन में कटौती को धीरे धीरे बहाल करने के लिए हर महीने प्रतिदिन 4,32,000 बैरल का उत्पादन कर रहा था। वहीं इसके ठीक उलट उत्पादन में अब तेजी से बढ़ोतरी का निर्णय भी लिया गया है। वो ऐसे समय में लिया गया जब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अमेरिका में पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसके बाद अब ऐसी आशंका है कि ऊर्जा के ऊंचे दाम से महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को दोबारा से ट्रैक पर लाने की गति धीमी भी हो सकती है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत में इस साल की शुरुआत से अब तक 54% की वृद्धि हुई है। शुरू में ओपेक के प्रमुख देश सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों के तेल आपूर्ति बढ़ाने के आग्रह का विरोध किया था। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल उत्पादन में कमी आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए ओपेक और सहयोगी देशों से आपूर्ति बढ़ाने को भी कहा गया था, जिसके बाद अब जानकार यही मान रहे हैं कि ओपेक देश के फैसले से विश्व भर में कच्चे तेल की सप्लाई में बढ़ोतरी होने वाली है और इसका असर क्रूड ऑयल की कीमतें कम करने के रूप में सामने आने का अनुमान है। ऐसे में कच्चा तेल सस्ता होगा तो निश्चित तौर पर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे आएंगे। भारत की क्रूड बास्केट के दाम में कटौती आने से देश में फ्यूल के सस्ता होने के भी आसार है। हालांकि एक अनुमान के अनुसार ओपेक और सहयोगी देशों का फैसला महामारी के दौरान की गई कटौती को तेजी से बहाल करने के लिए भी मददगार साबित होने वाला है। ओपेक ग्रुप साल 2020 से उत्पादन में कटौती को धीरे धीरे बहाल करने के लिए हर महीने प्रतिदिन 4,32,000 बैरल का उत्पादन कर रहा था। इसे बढ़ाकर 6,48,000 बैरल प्रतिदिन करने का फैसला ले लिया गया है। वहीं देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों को राहत देने का काम किया गया है। साथ ही सभी लोगों को महंगाई के इस दौर में राहत मिलने का भी अनुमान है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।